हिमाचल में 15 अप्रैल से बारिश के आसार, ऊना में 36.4 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान। हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में गुरुवार और शुक्रवार को मौसम साफ रहेगा। 15 और 16 अप्रैल को प्रदेश में बारिश के आसार हैं। 16 अप्रैल के लिए अंधड़ का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। बुधवार को ऊना में अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हिमाचल प्रदेश के 10 क्षेत्रों में पारा 30 डिग्री पार पहुंच गया है। मैदानी जिलों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी पसीने छूटने लगे हैं। बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में दिन भर धूप खिली रही। गुरुवार और शुक्रवार को मौसम साफ रहने से अधिकतम तापमान में और अधिक बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान है। 15 अप्रैल को पश्चिमी क्षेत्रों की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। 15 अप्रैल को मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश होने की संभावना है। तारा देवी में 17 अप्रैल से 25 मई तक होंगे चालक भर्ती के ड्राइविंग टेस्ट। हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से चालक पद की भर्ती के लिए प्रारंभिक ड्राइविंग टेस्ट 17 अप्रैल से 25 मई के बीच होंगे। HRTC की तारा देवी कार्यशाला में सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच ड्राइविंग टेस्ट लिए जाएंगे। HRTC शिमला मंडल के मंडलीय प्रबंधक पवन कुमार शर्मा ने बताया कि शिमला मंडल के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और जो पात्रता पूरी करते हैं उन्हें डाक के माध्यम से बुलावा पत्र भेजे हैं। अभ्यर्थियों के ड्राइविंग टेस्ट निर्धारित तारीख पर ही लिए जाएंगे। इसमें अगर किसी अभ्यर्थी को कॉल लेटर प्राप्त नहीं हुआ है तो वह इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पंचायत उपचुनाव में मतदान के लिए 2 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित। पंचायतीराज संस्थाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए होने वाले उपचुनाव के दृष्टिगत 2 मई 2023 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में उस दिन औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत सभी सरकारी कार्यालय, निगम, बोर्ड, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा दुकानें बंद रहेगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देय होगा। विशेष आकस्मिक अवकाश उन कर्मचारियों को दिया जा सकता है जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और उन्हें संबंधित संस्थानों, पंचायतीराज संस्थानों के उपचुनाव में मतदान करना है। विशेष अवकाश लेने वाले कर्मचारियों को मतदान करने से संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। मंडी में 19 अप्रैल को भरे जाएंगे 1400 पद, कंपनियां करवाएंगी साक्षात्कार। प्रदेश भर के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार प्राप्त करने का सुनहरा मौका है। मंडी रोजगार कार्यालय में 19 अप्रैल को करीब 1400 पदों को भरने के लिए विभिन्न कंपनियां साक्षात्कार करवाएंगी। हिमाचल, चंडीगढ़ की कंपनियां योग्यता अनुसार युवाओं को रोजगार देंगी। क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के यंग प्रोफेशनल विप्लव ठाकुर ने बताया कि इसके लिए विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इस लघु रोजगार मेले के बारे में सभी प्रकार की जानकारी 17 अप्रैल तक क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के फेसबुक पेज पर इच्छुक अभ्यर्थियों को मिलेगी। उन्होंने बताया कि रोजगार पाने वाले युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार कम से कम 48,000 रुपये मासिक वेतन के साथ अन्य प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। सरकारी स्कूल में शिक्षिका बनी अमेरिका की महिला, छात्राएं सीख रही हैं फराटेदार अंग्रेजी बोलना। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदर नगर के एक सरकारी स्कूल में अमेरिका की महिला बतौर शिक्षिका बनकर छात्रों को फराटेदार अंग्रेजी सिखा रही है। जोगिंदर नगर के बीड बिलिंग में बीते कुछ साल से रह रही यूएसए की जीन ने सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को फराटेदार अंग्रेजी सिखाने के लिए कुछ स्कूलों को चिन्हित कर रखा है। आदर्श कन्या पाठशाला जोगिंदर नगर में सप्ताह के 2 दिन गुरुवार और शुक्रवार को विशेष कक्षाओं में अमेरिका की नागरिक जिन से अंग्रेजी सीखने को लेकर विद्यार्थियों में भी खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक जिन 6 से 8 कक्षाओं के विद्यार्थियों को अंग्रेजी सिखा रही है। यह सिलसिला बीते कुछ माह से जारी है और अभी तक काफी संख्या में विद्यार्थी अंग्रेजी भी सीख चुके हैं। नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 9 प्रत्याशियों की दूसरी सूची बुधवार को जारी कर दी है। इससे पहले मंगलवार को पार्टी ने 7 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की थी। मंगलवार को जारी सूची के अनुसार वार्ड नंबर 10 टूटीकंडी से उमा कौशल, लोअर बाजार वार्ड नंबर 15 से उमंग बांगा, वार्ड 17 बेनमोर से शीनम कटारिया, वार्ड 23 भट्टाकुफर से नरेंद्र ठाकुर, छोटा शिमला वार्ड 28 से सुरेंद्र चौहान, वार्ड नंबर 31 पटियोग से दीपक रोहाल और वार्ड नंबर 32 न्यू शिमला से कांग्रेस ने कुसुम लता को प्रत्याशी बनाया। राजधानी में नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो जाएगी। पार्षद पद के लिए चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे दावेदार सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर रिटर्निंग अधिकारी के पास अपने नामांकन पत्र भर सकते हैं। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।